कोई भी हादसा कहकर नहीं आता और एक हादसा किसी की भी जान ले सकता है। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद रेल यात्री जरूर से ये सबक ले लें, सिर्फ एक रुपए से भी कम का खर्चा और 10 लाख रुपए की सुरक्षा। चौंकिए मत, यही सच्चाई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे के बाद पूरा देश सदमे में है। 280 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस हादसे पर पूरे देश में शोक है। ऐसे में आप भी अगर रेल यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं तो एक काम जरूर से कर लें, थोड़ी सी सतर्कता आपके परिवार को राहत दे सकती है। ओडिशा जैसी दुर्घटना या अन्य किसी अनहोनी के चलते जान माल के नुकसान को देखते हुए रेलवे ने साल 2016 से रेल दुर्घटना बीमा की सुविधा शुरू की है। IRCTC पर रेल रिजर्वेशन टिकट बुक करते वक्त रेलवे एक रुपए से भी कम में 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। रिजर्वेशन फॉर्म पर आपको 35 पैसे के इस बीमा को लेने या न लेने का विकल्प दिया जाता है। बीमा पर क्लिक करने पर ICICI लोम्बार्ड या अन्य बीमा कंपनियों की ओर से आपको बीमा कवर मिलता है। खास बात यह है कि एक PNR के जरिए जितने भी यात्रियों के टिकट बुक किए जाते हैं उन सभी पर यह लागू होता है। सिर्फ IRCTC से बुक टिकट पर ही ये बीमा मिलता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बीमा योजना सभी ट्रेनों, जिसमें यात्री ट्रेनों और उपशहरी ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो सभी ट्रेनों के सभी आरक्षित वर्गों यानी स्लीपर, फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC के यात्रियों के लिए केवल IRCTC वेबसाइटों पर ऑनलाइन बुक किए गए टिकटों के लिए उपलब्ध है। मैनुअल रूप से संचालित रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्री और अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले इस बीमा योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। कितना अब इसका क्लेम मिलता है ये आपको जानना भी ज़रूरी है। तो आपको बता दें, एक्सीडेंट में यात्री की मौत होने पर 10 लाख रुपए, यात्री के विकलांग होने पर, पूरी तरह से विकलांग होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, आंशिक तौर पर स्थायी विकलांगता होने पर 7.5 लाख रुपए, घायल होने पर चिकित्सा खर्च के लिए यानी अस्पताल में आप भी भर्ती होते हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपए, मृतक की देह ले जाने के लिए 10,000 रुपए मिलते हैं। तो टिकट बुकिंग के साथ में जरूर से नॉमिनी बनाएं, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको पेमेंट विकल्प पर क्लिक करने से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चयन करना होता है, लेकिन यहां पर आपसे नॉमिनी की डिटेल नहीं मांगी जाती। जब आप टिकट बुक कर लेते हैं तब आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक मैसेज इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आता है। इसमें आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी होती है। इसे किसी भी तरह से इग्नोर ना करें। रेल एक्सीडेंट की हालत में आप जिसे नॉमिनी दर्ज करते हैं उसे बीमा क्लेम की राशि मिलती है। अब कैसे इसका क्लेम करना है ये भी आपको बता दें, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। ट्रेन एक्सीडेंट होने की स्थिति में यात्री, नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी बीमा की राशि को क्लेम कर सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट के 4 महीने के अंदर ये बीमा क्लेम जरूर कर दें। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करना होगा या इंश्योरेंस कंपनी को पूरी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जिनके साथ में IRCTC का एग्रीमेंट है ये भी आपको बता दें, 3 कंपनियां हैं। रेल मंत्रालय का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम IRCTC ने लिमिटेड टेंडर के माध्यम से 3 बीमा कंपनियों के साथ में एक समझौता किया है। इसमें श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल है। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि हादसा कहकर नहीं आता है। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं ICRCTC के जरिए तो 35 पैसे आपको इसके अलग से देने होंगे और 10 लाख रुपए तक का बीमा आपका हो जाएगा। कुछ इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।